हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाटा कमेंस इंजन के टैपिट सेटिंग। सबसे पहले जो है टैपिट कवर हटाएंगे। आप कोई भी कमेंस इंजन हो, सेम प्रोसेस रहेगा। तो आप देख सकते हैं, आराम से जो है टैपेट कवर को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं रोकड़ आर्म कितने काले हो गए हैं। ये गाड़ी करीब 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई है और अभी तक इसके टैपेट सेट नहीं हुए हैं, तो अभी इसमें जो है माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम चेक करेंगे कि टैपेट कितने लूज़ हैं, अगर लूज़ मिलेंगे तो हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले नीचे से ये आप प्लेट हटा के फ्लाईव्हील से इंजन को घुमा के फायरिंग ऑर्डर पे ले आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका फायरिंग ऑर्डर है 15, 36, 24। ये पूरा कार्बन जमा हुआ पड़ा है। चलो इंजन घुमाते हैं। वो आप देख सकते हैं इंजन जो है घूम रहा है। अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा टैपेट सेट करें। तो सबसे पहले हमें करना होगा, आगे से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 6, 7, 10। ये जो रोकड़ आप देख रहे हैं, ये 4 नंबर रोकड़ है, इसको दबना चाहिए, इसको टाइट हो जाना चाहिए। ये दबेगा और 11 और 12 नंबर रोकड़ जो है जाम हो जाएंगे, तब हमें 1, 2, 3, 6, 7, 10 टैपिट सेटिंग करना है। तो इसको चेक कर लिया है, ये अभी इंजन घुमाने पर आप इसके ऊपर हाथ रख के चेक कर सकते हैं। अभी इसमें प्ले है, अभी ये फ्री पड़ा है। आप ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं, इस पर हाथ लगा के भी पता कर सकते हैं कि ये दब रहा है कि नहीं दब रहा है। इंजन घूम रहा है, घूमने के साथ साथ चेक करते रहें। 11, 12 जाम और 4 नंबर टाइट फुल। 4 नंबर वाल दब जाएगा एग्जॉस्ट का और 11, 12 जाम हो जाएंगे। जाम मतलब उनको आप जो ये टैपिट की जो रॉड होती है, उससे आप घुमा के पता कर सकते हैं। अभी ये 4 नंबर दबा नहीं है, अब घुमाते रहें। ये देख सकते हैं, ये 11 नंबर अभी फ्री है। 11 और 12 नंबर और 11 नंबर आप चेक करने के बाद 4 नंबर को भी चेक कर ले वापस। अभी भी जाम नहीं हुआ है। जब तक जाम नहीं हो 12 और 11 तब तक घुमाते रहें। आप ये पुश रोड को है ना, इसको घुमा घुमा के पता कर सकते हैं। जब ये दोनों 11-12 की पुश रोड जाम हो जाए और 4 नंबर वाल पूरा दब जाए, तब आपको 1, 2, 3, 6, 7, 10 सेट करने हैं। तो अभी मैं गेज निकाल रहा हूँ। तो कमिंस, टाटा कमिंस में जो है आप 25 और 50 mm की पत्तियाँ यूज़ में लें। जो 25 mm आप इनलेट में काम ले सकते हैं और 50 mm की पत्ती आप एग्जॉस्ट वाल में काम लें, इससे बराबर सेटिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट राउंड में आपको
एक दो तीन छः सात दस करने, और सेकंड राउंड में बचे हुए 4 5 8 9 11 12। सेकंड राउंड के लिए 10 नंबर वाल दबना चाहिए और एक और दो की पुश रॉड जाम होनी चाहिए। ये देख सकते हैं कितना आसानी से जा रहा है, इतना आसान नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं, और पुश रॉड घूमनी भी चाहिए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए कितनी प्ले हो रखी है, ये एग्जॉस्ट, यहाँ थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक इंजन है, इस पे बीच में वायरिंग है। ये देखिए कितने पले है इस वाल में, जब मैं रोकड़ को हिला रहा हूँ तो गेज भी साथ साथ में हिल रहा है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा माइलेज पे असर पड़ता है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्ले हो रखी है,